साहब डील तो 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 के साथ है ना तो तो नहीं मिल रही डील ना हो रही है ना हो पा रही है तो वजुहत क्या है क्या बैरियर्स हैं जो रास्ते की रुकावट है यही बता दीजिए सना देखिए जो रास्ते की रुकावट होती है ना उसदान का किसी भी सियासतदान का सियासी जमात के सरबराह का उसका अपना रवैया उसकी अपनी सोच उसकी अपनी हिकमत अमली होती है ठीक उसके बाद देखिए जितनी भी देखिए दो हमें चीजों को समझने की जरूरत है जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके जो सरब्राहान होते हैं वो जितने स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अपने मुल्क अपनी अवाम की बेहतरी के लिए एक स्ट्रगल कर रहे होते हैं उनकी जो कोशिश क्या होती है अगर अवाम भी उनका साथ दे रहे होते हैं तो फिर उस आवाम की पूरी तबानाई को पूरी एफर्ट को किसी एक जगह पर जाकर उसको ज़ाया नहीं किया जाता उस पूरी एफर्ट को कैपिटलाइज किया जाता है कैपिटलाइज करते वक्त फिर जो सियासत है उसका इस्तेमाल किया जाता है कि आपने अपने आप को बंद गली में नहीं धकेलना आपने जो भी फ़रूक हमीर साहब ने बात की आपने वो हार्ड लाइन नहीं लेनी जो आपकी उस तमाम एफर्ट को बेकार साबित कर दे जितने लोग अवाम आपके साथ हैं एंड ऑफ द डे वो भी कोई रिजल्ट हासिल ना कर सके सिर्फ आप कहते रहें जी देखिए मैं कितना मकबूल हूँ मेरी मकबूलियत तो सातवें आसमान तक पहुँच चुकी तो वो मकबूलियत किसी काम की नहीं है आपने पोलिटिकल विजडम के तहत मामला फहमी के तहत गिवन टेक करके उस सारी एफ़र्ट को कैपिटलाइज करना होता है ताकि मुल्क और आवाम के लिए बेहतरी हो सके लेकिन यहाँ पर हमें मामला बिल्कुल मुख्तलफ लगता है हम देखते हैं कि मुख्त जगहों के ऊपर जो जिस तरीके से जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर पहुंचती है वो सियासी जमातें नहीं ऐसा रवैया करती सियासी रहनुमा ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करते वो अगर हम देखें तो ऐसा रवैया ममोनी तौर के ऊपर जो बहुत हार्ड कोर किस्म की तनजीमें होती हैं जिनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होते हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर होते हैं लेकिन बदकस्मती के साथ इस मामले के अंदर आवाम की भले सपोर्ट आपको हासिल है लेकिन वो स्पोर्ट कहीं कैपिटलाइज होते हुए दिखाई नहीं दे रही उल्टा डिसएडवांटेज हो रहा है अवाम को इस मुल्क के सियासी निजाम को इस मुल्क के जमुरी निजाम को इस मुल्क के मुशी निजाम को तो उसकी बुनियादी वजह क्या थी जब आपके पास आपने एक गलती की आपने दूसरी गलती की तीसरी गलती कहीं जाकर आप अपने आप को रिविजिट करते लेकिन बदकिस्मती के साथ सना से सवाल करने दीजिए वेरी शॉर्ट टाइम एक्चुअली कम है सना मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि नून लीग आगे बढ़कर बात करना चाह रही थी तमाम सियासी जमातों से इसमें पीटीआई भी शामिल थी लेकिन ऐसे में बैकफुट पर क्यों नून लीग देखिए ये तो बड़ी अजीब और गरीब सी सिचुएशन हो गई है कि मतलब वो, हुए तुम दोस्त जिसके उसका दुश्मन आसमा क्यों हो नून लीग ये कह रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी मौका मिलना चाहिए ये इतनी मोहब्बतों के दरिया इसलिए उमड़ रहे हैं क्योंकि इस्टैब्लिशमेंट ने यह तय कर लिया है कि पीटीआई को मौका नहीं मिलना चाहिए आप आज ये अनाउंस करवा दें देंटैब्लिशमेंट से कि ठीक है सारी पोलिटिकल पार्टी जो है वो चली जाए इंतबात में फिर आप पीपल्स पार्टी और सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नेरेटिव में यू टर्न देखिएगा मैं सिर्फ इतना कहूंगी ठीक